नेक्स्ट टॉपिक जो आपने पूछा था, रेजिस्टिविटी। व्हाट इज अ रेजिस्टिविटी? तो बेसिकली रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ कंडक्टर। इट्स रिप्रेजेंटेड एज अ नेचर ऑफ कंडक्टर सिंपली। मतलब ये जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और इसको अगर डिफाइन करना है, किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस, वी नो दैट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इट इज रो, सिंबल किसका है, रो से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू रो एल एल बाय ए। तो यहां पे रो जो है, इस रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड इट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ कंडक्टर। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और ये डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडेड ऑन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो हमारा कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेंट है। और ये फ्री इलेक्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए। जैसे आयरन के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉपर की कंपैरिजन में ज़्यादा या कम हो सकता है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे हम कहते हैं कि जो वेस्ट हमारा कंडक्टर है, वेस्ट कंडक्टर होता है हमारा, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है ना, ये वेस्ट कंडक्टर्स में आते हैं ना। तो वेस्ट कंडक्टर्स में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टिविटी कम होती है, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली इट इज अ नेचर ऑफ कंडक्टर एंड इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट ऑन द इन द कंडक्टर, विच इज प्रेजेंट इन द कंडक्टर्स। इज इट क्लियर? नाउ हाउ कैन बी डिफाइन, हाउ कैन बी डिफाइन द रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी बेसिकली इज डिफाइंड बाय द मैथमेटिकली बाय दिस फॉर्मूला। इफ लेट इफ एल इक्वल टू 1 मीटर, मतलब हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है ये 1 मीटर है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर है। लेट एल इक्वल टू 1 मीटर एंड ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन आर इज इक्वल टू रो इन टू 1 बाय 1, 1 से 1 कैंसिल, तो रो इज इक्वल टू क्या जाएगा, आर इक्वल टू रो। इट मीन्स इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा आर, जितना भी रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो इस कंडीशन में इस कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो कितना होगा, 10 ओम मीटर हो जाएगा। कितना जाएगा, 10 ओम मीटर, डेट इज इक्वल टू 10 ओम मीटर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस के फॉर्म में हमने डिफाइन किया है। किसके फॉर्म में, रेजिस्टेंस के फॉर्म में। तो डेफिनेशन है, इट इज अ डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया गया है रेजिस्टेंस के फॉर्म में। इस इक्वेशन से अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल है, इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। लेकिन उसके लिए सब कुछ कंडीशंस है, नेसेसरी कंडीशंस है कि जो हमारा लेंथ है वो 1 मीटर होना चाहिए और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर कंडक्टर के लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा यही रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? डेफिनेशन
Thus, the resistivity of a resistivity as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. SI unit of resistivity is ohm meter. That is, SI unit of resistivity is equal to ohm meter. Clear है? Again, किस factor पे depend करेगा? It is dependent on temperature and number of free electron. ये L पे depend नहीं करता है और A पे depend नहीं करता है. It does not depends on the length of the conductors and cross section of the conductor. Is it clear? आपको बस ये रखना है कि अगर कोई भी metal है, जैसे iron है, जैसे मान लेते हैं आयरन का कोई भी रॉड है, तो इस रॉड का जो रेजिस्टिविटी होगा वो ये फिक्स्ड होगा. और आयरन के लिए रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, एल्यूमिनियम के लिए रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, गोल्ड के लिए रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है. मतलब हर एक मेटल्स या नॉन मेटल्स या एलॉयज जो भी है उसके लिए रेजिस्टिविटी जो है वो फिक्स्ड होता है. और सारे मेटल्स की रॉड की लेंथ कुछ भी हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, रेजिस्टिविटी फिक्स्ड रहता है. वो डिपेंड करेगा ओनली टेम्परेचर पे एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे. डेट इज क्लियर. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा. नाउ थैंक यू.